एवरीवन तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 एंड 49 तो इसे कहते हैं राधा कृष्ण कमीशन भी कहते हैं इसे सो so चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या कहता है सो इट इज अ फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था

सो दिस कमीशन कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स तो इसमें टोटल टेन अवेलेबल थे सो so, चलिए थोड़ा राधा कृष्ण के बारे में जानते थे सो so, ये एक स्कॉलर थे फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चलिए बात करते हैं इस कमीशन के एम की सो so, इस कमीशन का एम था टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया एंड टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एम क्या था कि हमारी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसकी प्रॉब्लम को स्टडी करना इंडिया की जो भी जितनी सारी इंडिया की यूनिवर्सिटीज है और सजेस्ट करना की क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं उनके डेवलपमेंट में कि हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन की जो उनकी जो क्वालिटी है उसको और ज्यादा एनहांस कर सके रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज आर एसेंशियल फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के बाद यूनिवर्सिटी थी उसका रिकंस्ट्रक्शन करना जरूरी था ताकि हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कर सके सो so, नेक्स्ट है मेथड ऑफ स्टडी तो इसके लिए प्रीपेय किया गया प्रीपेय किया गया क्या क्वेश्चन इंड सेंड टू दीपल अबाउट सिक्स हंड्रेड क्वेश्चन सजेशन तो क्या किया गया क्वेश्चन क्वेश्चनअर्स प्रिपेयर किए गए और उनको भेजा गया और सिक्स हंड्रेड वापस आई सजेशन के साथ सो so, इसके लिए आ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में विजिट किया गया इंटरव्यू लिया गया अलग अलग टीचर्स का स्टूडेंट्स का स्टाफ्स का और भी और जितने भी सारी प्रॉब्लम्स थी उनको डिस्कस किया गया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की सबमिट की रिपोर्ट 1948 में चलिए अब मेन बात करते हैं इनकी रिकमेंडेशंस की तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन तो सबसे पहले मेन एम क्या है यूनिवर्सिटी एजुकेशन का सो द यूनिवर्सिटीज शुड टेक पार्ट इनटू अकाउंट द चेंजेस इनटू सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया एंड फॉर्मुलेट द एम्स ऑफ एजुकेशन तो जिस हिसाब से हमारी इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता उसके साथ साथ उन चेंजेस के साथ साथ उनको देखना और उसके साथ हमारी एजुकेशन को डेवलप करना जरूरी था सो ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप सोशल एफिशिएंसी, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड विजडम लव फॉर हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ कल्चरल प्रोग्रेस इन सारी चीजों को हमें नोटिस करना था एंड शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया और यही हमारे जो जितने भी सारे एस्पेक्ट्स हैं इनको हमने इम्पोर्टेंट पार्ट माना हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन का सेकेंड है टीचिंग स्टाफ सो क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ टीचर्स शुड बी मेड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन तो देखिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन की क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है उनके टीचर्स पे तो इस पर भी ध्यान दिया कि हमारे जो टीचर्स की क्वालिटी है उसको और ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है their pay scales and service condition should be decent than dignified unke pay scale ko aur zyada badhana chahiye aur unki jo service condition hai usko thoda acha karna chahiye high quality ka karna chahiye and teacher must be given leaves for higher studies both in india and abroad aur teachers ko leave di jani chahiye ताकि वो अगर India से बाहर जाकर अपनी higher studies को पूरा करना चाहते हैं उनके लिए भी उनको paid leaves दी जानी चाहिए थर्ड है ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एंड वर्किंग डेज तो इन्होंने बात की कि किसी एक कोर्स की ड्यूरेशन क्या रहेगी कितने वर्किंग डेज रहेंगे सो एडमिशन टू द यूनिवर्सिटीज शुड बी आफ्टर ट्वेल्व ईयर्स ऑफ स्कूल कोर्स तो देखिए यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कब होगा ट्वेल्व ईयर स्कूल कोर्स के बाद सो द फर्स्ट डिग्री शुड बी आफ्टर थ्री ईयर्स ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन और जो पहली डिग्री होगी वो तीन साल की एजुकेशन के बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बाद ही मिलेगी

तो इस कमीशन ने अपनी रिसर्च को और ज्यादा बढ़ावा दिया उन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा सो द यूनिवर्सिटी शेल अट्रैक्ट ब्रिलियंट प्रॉमिसिंग यंग मैन बाय ऑफरिंग देम डीसेंट सैलरीज सो दैट देयर क्रिएटिव फैकल्टीज आर ब्लेंडेड इन द मोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड ऑफ देयर लाइफ बाय प्राइशन सो इन यूनिवर्सिटी का मेन काम क्या था कि यंग जनरेशन को और ज्यादा रिसर्च की तरफ अट्रैक्ट करना ताकि वो नए नए आइडियाज लेकर आ सके हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके सो द कमीशन सेड एवरी यूनिवर्सिटी शुड हैव सर्टेन नंबर ऑफ रिसर्च फेलोशिप टू एनकरेज रिसर्च तो इन इस कमीशन का मानना था कि जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज हैं सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च फेलोशिप होनी जरूरी है ताकि वो इनकरेज कर सके रिसर्च को फिफ्थ है रिफॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम तो इन्होंने एग्जाम को लेकर क्या बात कही

एजुकेशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लॉ मेडिसिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन शुड बी स्टार्टेड एंड डेवलप्ड तो उन्होंने ऐसी एजुकेशन की बात की जिससे जो यंग जनरेशन है उनको एक स्किल प्रोवाइड की जा सके सो तो इन्होंने जोर दिया प्रोफेशनल एजुकेशन पर और हम इन सारी फील्ड की बात कर चुके हैं नेक्स्ट है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शुड बी अपॉइंटेड टू सुपरवाइज एंड एलोकेट फंड्स फॉर द यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द इंडिया तो पूरे इंडिया में जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज हैं सबको सुपरवाइज करने के लिए सभी को फंड एलोकेट करने के लिए एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को अपॉइंट किया जाना चाहिए मींस जो आज के समय है यूजीसी सो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो taught इस commission का मानना था कि हमारी जो टंग है और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी हमें और ज्यादा इनकरेज करना चाहिए और जो हमारी हायर लेवल की एजुकेशन है मींस यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसमें इंग्लिश पर ज्यादा जोर देना चाहिए एंड इंग्लिश शुड बी टॉट एट द सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल सो इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन तो हमारी जो हायर एजुकेशन है उसमें हमारी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो क्या होगा इंग्लिश होगा रिलीजियस एंड मॉरल इंस्ट्रक्शन सो द कमीशन स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस एंड मॉरल इंस्ट्रक्शन इन्होंने मॉरल एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन को भी थोड़ा सा इंकरेज करने की कोशिश की स्टूडेंट्स मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ ऑल रिलीजियस इन ऑर्डर टू डेवलप अ स्पिरिट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड सेक्यूलरिज्म तो इनका मानना था कि सभी को जितने भी सारे इंडिविजुअल्स हैं बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं चिल्ड्रेन है सभी के अंदर सभी रिलीजन्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इससे क्या होगा अगर वो सभी रिलीजन को समझेंगे तो उनके अंदर सेक्युलरिज्म की जो फीलिंग uh, है वो डेवलप होगी मॉरल इंस्ट्रक्शन शुड ऑल्सो एम एट तो अगर हम मॉरल इंस्ट्रक्शन भी देंगे तो कि जो हमारा एम होगा सेक्युलरिज्म की तरफ कंट्री में हमारे नेशन में सेक्युलरिज्म की फीलिंग डेवलप हो हमारी यंग जनरेशन के अंदर सभी के अंदर टेंथ बात की स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप एंड स्टेप शुड बी गिवन टू मेरिटोरियस एंड फाइनेंशियली हैंडीकेप स्टूडेंट्स तो इनका मानना था कि ऐसे बच्चे जो मेरिटोरियस हैं और जो फाइनेंशियली हैंडीकेप्ट है मीन इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी थोड़ी लो है उनको स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए ताकि किसी भी तरह से वो अपनी पढ़ाई से वंचित ना हो उनको पूरी एजुकेशन मिले और ये उनका हक है एनसीसी सोशल सर्विस एंड सच अदर स्कीम शुड बी इंट्रोड्यूस को करिकुलर एक्टिविटीज इन कॉलेजेस तो कॉलेजेस में एनसीसी जैसे हो गया एनएसएस हो गया सोशल सर्विस होगी और भी सारी स्कीम्स इन सभी को लॉन्च करना चाहिए हमारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में नेक्स्ट है रूरल यूनिवर्सिटीज सो द कमीशन इंफोसाइज द वाइटल नीड फॉर एस्टेब्लिशिंग रूरल यूनिवर्सिटीज सराउंडेड बाय रूरल कॉलेजेस टू मीट द नीड्स ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री तो इस कमीशन का मानना था कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज है कॉलेजेस है उनको रूरल एरियाज में भी डेवलप किया जाना चाहिए तो इससे क्या है उधर के जो लोग हैं जो गाँव के लोग हैं उनको भी एजुकेशन मिल सके हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में इंडस्ट्री की फील्ड में उनको भी एजुकेशन का पूरा हक है ट्वेल्थ इन्होंने बात की एजुकेशन टू वुमेन वुमेन को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए सो द कमीशन आल्सो पॉइंटेड आउट द नीड फॉर एस्टेब्लिशिंग कॉलेजेस फॉर वुमेन विद एजुकेट फैसिलिटीज एंड कंड्यूसिव एटमोसफेयर एक ऐसा एटमोस्फेयर होना चाहिए जहां पर विमेन को एजुकेशन मिल सके अब चलिए अब इसके बात करते हैं मेरिट्स की सो न्यू यूनिवर्सिटीज शुड बी बीब्लिस्ड इन रूरल एरिया तो लोगों की जरूरतें पूरे करने के लिए जो गांव के लोग हैं उनकी जरूरतें पूरे करने के लिए हमारी जो कॉलेज है उनमें यूनिवर्सिटीज ओपन की जानी चाहिए कमीशन हैज द नेसेसिटी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन तो इन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो एजुकेशन है उसमें रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन भी होनी चाहिए जिससे सभी के अंदर सेक्युलरिज्म की जो फीलिंग है वो डेवलप हो सके कमीशन राइटली परसिव्ड द वेरियस इन ऑफ द एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पीपल टूवर्ड्स देन एंड गिवन इंपॉर्टेंट सजेशन फॉर मीटिंग देम तो इस कमीशन ने ये भी कहा कि जितनी भी सारी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन है uh, उसमें लोगों को और ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए ठीक है और उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए कि हमें वो और सजेशन दें कमीशन हैज इंफोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड तो इस कमीशन ने इंफोसाइज किया ह्यूमैनिटीज uh, की स्टडीज को और uh, जो लोगों के अंदर एक ब्रदरहुड की फीलिंग डेवलप हो भाईचारे की नेक्स्ट है द कमीशन हैज डिफाइंड द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम तो एक ये ऐसा कमीशन था जिसने पहली बार यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फिक्स किए यानी इन्हांसमेंट ऑफ द पे स्केल ऑफ टीचर्स जितने भी सारे टीचर्स हैं उनकी पे स्केल को और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए उनकी वर्किंग कंडीशन है उन्हें पेड लीव दी जानी चाहिए उनको उनको हाई क्वालिटी सर्विसेज दी जानी चाहिए जिससे कि जो हमारी एजुकेशन का स्टैंडर्ड है और ज्यादा बढ़ सके

तो चलिए अब बात करते हैं इसके डिमेरिट्स की सो इट्स व्यूज ऑन रिलीजियस एंड एजुकेशन वाज मॉरलियस तो इनके जो व्यूज थे रिलीजियस और एजुकेशन पे वो काफी ज्यादा वेक थे और एमबीजियस थे तो इस कमीशन सेकंड है इस कमीशन ने फ्रेंकली क्रिटिसाइज किया उस वक्त की एग्जिस्टेंस सिस्टम ऑफ एजुकेशन को लेकिन जो इसके सजेशन थे इसके रिफॉर्म के लिए सिस्टम के रिफॉर्म के लिए वो भी इतने ज्यादा सेटिस्फेक्ट्री नहीं थे सो so, इन्होंने जो बात कही सजेशन किया कि हमें रूरल यूनिवर्सिटी डेवलप करनी चाहिए वो भी ज्यादा मच इफेक्टिव नहीं थी इस कमीशन ने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पर ज्यादा जोर नहीं दिया मीन्स जो डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी वो इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया इस कमीशन ने हमारी वुमेन एजुकेशन पे ज्यादा अटेंशन नहीं दिया बात तो कही लेकिन उस पर गौर नहीं किया इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फाइन आर्ट्स उस पर भी ज्यादा इन्होंने गौर नहीं किया रिकमेंडेशन थी वो सारी पुरानी जो कमीशन थी उनकी ही रिप्यूटेशन थी सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन नाइनटीन फोर्टी एट फोर्टी